क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंटीग्रेशन हमको बताना है 1-x इंटू अंडर रूट एक्स का कितने के बराबर आएगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि अंडर रूट एक्स से इसमें गुणा करके देखिए ब्रैकेट में, और अंडर रूट एक्स को अभी बताएं कि अंडर रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, तो 1/2 से ब्रैकेट में गुणा कराइए, तो लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 1/2 आ ही जाएगा, और माइनस एक्स पहले से है एक्स का पावर 1 और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, ठीक है, और डी एक्स लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 माइनस, इसमें जब ऐड करेंगे तो एक्स का पावर हो जाएगा 3/2 डी एक्स। अब हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हमको मिलने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स। अब यहाँ से 1/2 का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब 1/2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, यहाँ पे किए भी हैं 1 में 1/2 ऐड करेंगे कितना आएगा 3/2, इसका मतलब x का पावर 3/2 और नीचे भी इसका पावर लिख देते हैं 3/2 माइनस यहाँ पे आएगा x टू द पावर 3/2 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 2 और 3 मिल करके 5/2 आएगा, इसका मतलब इसका पावर हो जाएगा 5/2 और नीचे भी लिख देंगे 5/2 और एक कांस्टेंट टर्म c जोड़ देंगे। यहाँ से अब अगला क्या करना है, तो इसके भिन्न को हम लोग पलट देंगे, तो 2 ऊपर चला गया तो लिख और नीचे आ गया 3, तो 2/3 एक्स का पावर 3/2 माइनस इसको लिख लेंगे 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस एक कांस्टेंट टर्म c, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते थे, आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे।